हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी त्रिशा ही है, तो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आज मैं छोटी माँ का और माँ का मेकअप कराऊंगी। तो वो लोग आज एक ब्लेसिंग सेरेमनी पे जाएंगे, क्या बोल रही है। तो त्रिशा आई है, त्रिशा को थोड़ा सा हेयर कल करना होगा, इसीलिए आई है। मुझे बोला था कि कल कर दो, तो मुझे भी आता नहीं अच्छे से, जस्ट ट्राई करूँगी, देखती हूँ कि होता है या नहीं, मैं कर नहीं जानती हूँ। तो चलो आप लोग देखते रहो, ये रहा त्रिशा। हेलो, तो चलो देखते रहो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ त्रिशा। तो फर्स्ट मैंने त्रिशा के हेयर को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया, तो फिर उसे ज़्यादा कर्ल नहीं चाहिए था, बस हल्का सा एक कर्ल चाहिए था। तो मैं कर्ल कर रही हूँ, मुझे आता नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, मैं ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा। तो चलो फिर सामने में थोड़ा सा, फ्रंट साइड में थोड़ा सा उसने बोला डिज़ाइन करने के लिए, तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो उसके ड्रेस के साथ वो ये मैच करेगा, तो मैंने इसे मिला के कर दिया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये रहा लास्ट लुक, ये देखो, उसे थोड़ा सा फ्लफी चाहिए था, तो मैंने भी इस तरीके से उसे दिया, उसे बहुत पसंद है। आसान, तो छोटी माँ आ गई है, देखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले छोटी माँ के हेयर को थोड़ा सा क्रीम कर लिया, तो छोटी माँ को कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए था, क्योंकि शादी बाकी है, अभी ब्लेसिंग सेरेमनी है, तो सिंपल सा कुछ चाहिए था। तो मैं भी सारे हेयर को एक साथ ऐसे पीछे की तरफ लेके गई, फिर एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक बन कर, तो हेयर में गजरा लगाएंगे, तो माँ देखो ना पीछे से पूजा भी दे रही थी और मुझे खाना भी खिला, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बोल रही थी कि कुछ खा ले, तो मैं नहीं खा रही थी, तो इसीलिए माँ ही आ गई है मुझे खिलाने। तो चलो आप लोग भी देखते रहो क्या क्या होता है, क्या क्या मेकअप कराती हूँ मैं। तो हेयर हो गया और मैंने पहले ही छोटी माँ की फेस पे प्राइमर यूज़ कर लिया, तो अभी थोड़ा सा फाउंडेशन, थोड़ा सा बहुत ही है, तो फाउंडेशन लगा रही, जितना चाहिए फेस पे उतना ही है, तो फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो चलो देखती रहो। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आईब्रो भी ड्रॉ कर लेती हूँ, तो आईब्रो भी ड्रॉ कर लिया, तो क्या होता है, फेस थोड़ा हाईलाइट रहता है आईब्रो ड्रॉ करने से। फिर छोटी माँ बार बार ना कर रही थी मुझे कि मत कर, ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, तुम देखते रहो, लास्ट में मुझे बताना तो कैसा लगा मेरा मेकअप। तो थोड़ा सा काजल ले दिया, मेरे ऊपर तो काजल बिल्कुल भी नहीं सूट करता, लेकिन सबके ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगता है काजल, पर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। फिर छोटी माँ को आईलाइनर दे रही हूँ, छोटी माँ की आँख बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर है। मैं जब आईलाइनर दे रही हूँ तब मैं छोटी माँ को बता भी रही थी कि तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर है। फिर से देखो माँ आ गई, माँ पूरे पीछे पड़ गई, खा ले, माँ पूजा भी दे रही है, फिर आके मुझे खिला भी रही है, बताओ ऐसा कौन मिलेगा, बहुत अच्छी है। मैं छोटी माँ की बोल रही होती, थोड़ा सा हंस लो, फिर ब्लश लगाना पड़ेगा। छोटी माँ बोल रही है तो तेरी माँ को भेजिए हंसे, तो फिर मैं बोली कुछ नहीं होगा, तुम स्माइल करो, मैं लगा देती हूँ। फिर मेकअप से ज़्यादा यहाँ पे बातें ही हो रही थी, क्योंकि हम लोग जब एक साथ होते हैं ना, तब पहले क्या होता था, क्या क्या, मैं सब, मुझको सब बताती थी वो लोग और मैं भी जानती थी। तो माँ मुझे खिला ही रही थी, माँ को मैं बोल रही थी मत खिलाओ, अभी मेरा पेट पूरा भर गया, मत खिलाओ, माँ सुन ही नहीं रही थी। तो देखो बिंदी लगाने से छोटी माँ का फेस पूरा चेंज हो गया, बोलते हैं ना मन, कुछ गर्ल्स को ना ये बिंदी फिर ये सब लगाने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। तो फिर अभी मैं माँ का मेकअप कराऊंगी, तो माँ को भी पहले हेयर स्टाइल करने के लिए थोड़ा सा हेयर को क्रीम कर लिया मैंने, तो माँ भी बोल रही थी सिंपल, दोनों ही बोल रही थी सिंपल। तो चलो देखते रहो माँ का मेकअप कैसे करा, तो इस बार भी ज़्यादा बग बग नहीं करूँगी, क्योंकि
फर्स्ट टाइम की तरह ही या फिर है फाउंडेशन वगैरह वगैरह लगाऊंगी। तो चलो देखते रहो माँ का मेकअप कैसे करा, तो लास्ट में भी देखते रहना, क्योंकि मैंने माँ का लास्ट वाला क्लिप्स लिया कि सजने के बाद साड़ी पहनने के बाद कैसा लगता है माँ को। तो देखते रहो ये सब, फिर मैं बताऊंगी लास्ट में मुझे क्या हुआ। तो लास्ट में मुझे क्या हुआ देखने के लिए लास्ट तक आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। मुझे भी जाने का बहुत मन था लेकिन कॉलेज है इसलिए मैं नहीं जा पाई। चलो कोई ना, आप लोग देखते रहो क्या क्या होता है। माँ का फेस भी देखो, बिंदी लगाने के बाद पूरा चेंज हो गया और सिंदूर लगाने के बाद तो और भी। बोलते हैं ना सारी दुनिया की चीज़ एक तरफ और ये सिंदूर ये बिंदी एक तरफ। देखो सिंदूर लगाने के बाद पूरा फेस पे ग्लो आ गया एक अलग, बहुत सिंदूर लगाने के बाद बहुत 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 सुंदर लगता है। तो ये देखो माँ का लास्ट लुक, तो माँ भी जा रही है देखो। तो मेरी हालत देखो, मेरी आँख फूल गई है पता नहीं कैसे, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ अभी। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, टाटा बाय बाय।